आज के वीडियो में हम दुनिया के कुछ देशों के झंडे के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ये झंडे क्या संदेश देते हैं या फिर इनका मतलब क्या है। किसी भी देश का एक विशेष झंडा होता है। जब कोई देश कोई झंडा अपनाता है तो उस देश के झंडे में कई सारे मतलब छुपे हुए होते हैं। झंडा किसी भी देश की शान है, तो आइए जानते हैं अलग अलग देशों के झंडे के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। भारत, हमारे अपने प्यारे तिरंगे में तीन रंग हैं। ये रंग है केसरिया, सफेद और हरा। बीच में अशोक चक्र है जो कि नीले रंग का है। इस अशोक चक्र में 24 तिलियां बनी हुई है। केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है। अशोक चक्र सत्य का प्रतीक है। इसकी 24 तिलियां 24 घंटों को दर्शाती है और ये संदेश देती है कि हमें लगातार कर्म करते रहना चाहिए। जबकि हरा रंग देश की हरियाली और खुशहाली को दर्शाता है। नेपाल, नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जो कभी भी किसी का गुलाम नहीं हुआ। उसका झंडा आपको हैरान कर सकता है। नेपाल का झंडा आयताकार या वर्गाकार ना होकर त्रिकोणीय है, यानी कि नेपाल का झंडा दुनिया का ऐसा इकलौता झंडा है जो चौकोर नहीं है। नेपाल के झंडे में लाल रंग ज्यादा है। लाल रंग वीरता की निशानी है। झंडे के ऊपर वाले हिस्से में चंद्रमा और नीचे वाले हिस्से में सूर्य बना हुआ है। झंडे के आसपास नीले रंग की पट्टियां बनी हुई हैं। नीली पट्टी शांति का प्रतीक है, तो गहरा लाल रंग नेपाल के राष्ट्रीय फूल का प्रतीक है। चंद्र और सूर्य नेपाल के दो बड़े राजसी परिवार रॉयल फैमिली और राणा खानदान को दर्शाता है। लेकिन सन 1962 से इसके मतलब बदल गए हैं, जिसमें ये बताया गया कि जब तक सूरज चांद रहेगा, धरती पर नेपाल का अस्तित्व बना रहेगा। नेपाल के झंडे के दोनों त्रिकोणीय हिमालय पर्वत का प्रतीक माने गए हैं। अमेरिका, अमेरिका के झंडे में लाल और सफेद रंग की पट्टियां बनी हुई हैं। इन पट्टियों की कुल संख्या 13 है। इसके अलावा अमेरिका के झंडे के बाएं तरफ ऊपर के हिस्से में नीले रंग के बॉक्स में तारे दिखाई देते हैं। इन तारों की कुल संख्या 50 है। तारों की संख्या अमेरिका के 50 राज्यों को वर्णित करती है और 13 लाल और सफेद पट्टियां अमेरिका की उन कॉलोनियों का प्रतीक है जिनको अंग्रेजों से आजाद करवाया गया था। बांग्लादेश, बांग्लादेश का झंडा हरे रंग का है और इसके केंद्र में लाल रंग का गोला बना हुआ है। हरा रंग तरक्की और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। गोलाकार लाल रंग सूर्य का प्रतीक है, यानी वो ये बताता है कि बंगाली लोग हमेशा रोशनी में रहना चाहते हैं। और इसके अलावा ये लाल रंग उन लोगों की कुर्बानी का भी प्रतीक है जिन्होंने सन 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का झंडा हरे रंग का है जो इस्लाम धर्म को दर्शाता है। इसके अलावा हरा रंग खुशहाली और हरियाली का भी प्रतीक है। सफेद रंग शांति और अल्पसंख्यकों का प्रतीक है। चांद तरक्की की निशानी है। इसके अलावा झंडे में मौजूद चांद और तारे भी इस्लाम धर्म को दर्शाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और आपको किस देश का झंडा पसंद आया ये कॉमेंट करके बताएं।